नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी नेटवर्क। दरभंगा जिले के अंतर्गत बहादुरपुर क्षेत्र के तारालाही पंचायत में जमकर रोड़ेबाजी चली। बताया जाता है कि फेसबुक पर लड़की का फोटो डाल देने से यह विवाद उत्पन्न हुआ। 2 साल पहले प्रेम प्रसंग था लड़का और लड़की के बीच में, जिसमें लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के से होने के बाद प्रेमी लड़की ने बार बार लड़की को तंग करने लगा तथा लड़की ने भी इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दी। कल गांव के ही गणमान्य लोगों के साथ पंचायती के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद छिड़ गया। विवाद बढ़ता ही चला गया, रोड़ेबाजी होने लगी। जैसे ही प्रशासन को इस बात की सूचना मिली, प्रशासन दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। आइए जानते हैं दरभंगा के सिटी एसपी ने इस विषय पर क्या कहा तथा वहां के मौजूद आदमी ने इस घटना के विषय में क्या कुछ बताया। पास हमारे पास फोन आता है कि तारालाही में कुछ हुआ है, उसके बाद हम पहुंचे थे कि फोर्स की काफ़ी सारी गाड़ियां थी। क्या मामला था सर? देखिए, वहाँ पे एक पुरुष से एक प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और उसमें एक पक्ष लड़का पक्ष जो है मोहम्मद मुकीम का लड़का और एक दूसरे पक्ष एक लड़की है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पहले 2 साल पहले भी रहा था। बाद में लड़की की शादी हो गई और शादी होने के बाद जब लड़की अभी आई हुई थी तो वो लड़का फिर से उसे तंग करने लगा और इसकी जानकारी जब उसने अपने परिजन को दी लड़की ने तो गांव में स्थानीय जो लोग थे जनप्रतिनिधि ने पंचायती बुलाई थी आज, उसी पंचायती में आपस में विवाद हो गया और विवाद होने के बाद आपस में लोगों ने मारपीट कर ली है। पुलिस उसी सूचना पर गई, वहाँ पर विधि व्यवस्था सामान्य करते हुए और जो पीड़ित लड़की है उसका आवेदन लेके संबंधित लोगों पे कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या थी की गोली चलने की बात है? नहीं नहीं, ये सब अफवाह है, इन सब अफवाह पे आप ना जाएं। वहाँ पे एक दूसरे पे ईंटे पत्थर चले हैं, जरूर चले हैं और उसके बाद स्थिति सामान्य है वहाँ पे और लड़की के बयान पे कांड दर्ज करके लोगों की गिरफ्तारी होगी और प्रशासन की तरफ से भी उसमें कांड दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, अभी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, लोग हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या घटना घट गई? यहाँ पर जो घटना घटा है सर, जो एक लड़की चांदी नाम है, ठीक है, उसका फोटो जो है ना फेसबुक पर डाल दिया गया, मुकीम का लड़का है, ठीक है, और डालने के कारण क्या हुआ, आपसी मतलब झगड़ा हो गया, जब उसको बाप को पल में बांध दिया गया, ठीक है, अथी लड़का के पक्ष जो मुकीम है, हाँ, उसके बाद पंचायत बैठा, पंचायत में ये मतलब पंच सुनाया गया कि लड़का को जो है ना केस काट के, ठीक है, और 10 जूता मारा जाए, ठीक है, इसी बात पर जो क्या हुआ, ये समाज के दोनों तरफ के लोग बैठे थे, हाँ, ठीक है, इसी बात पर क्या कोई आदमी बोला कि केस पूरा क्यों काटा, ठीक है, आधा ही केस काटो और उसी का पक्ष के 2 बार थपथपा दिया तो कहा नहीं, वो जो था ना एक आदमी बोला नहीं तो आप नहीं मारिएगा, हम मारेंगे इसको जूता लेके, उसी बात पर कोई आदमी लड़का को भगा दिया, उसी आक्रोश में झगड़ा फंस गया, झगड़ा फंसने के बाद लोरा पत्थरबाजी हो गया। अल्लाह, पत्थरबाजी होने तरफ से हुआ? नहीं, लोरा पत्थरबाजी शुरू कौन कर दिया? उधर उधर से गोली ने कौन तो सीधा किया? कहां से शुरू हुआ? शुरू पहले मुस्लिम इलाका से हुआ। अच्छा, मुस्लिम इलाका से शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग भी थोड़ा बहुत किए हैं। अच्छा, इधर से मतलब दोनों तरफ से? दोनों तरफ से हुआ, इधर से बहुत कम हुआ, पहले पहले इधर से शुरुआत हुआ। आपको लगता है कि समाज में बैठ के इसका समाधान निकल सकता है? हाँ सर, निकल सकता। क्यों नहीं समाधान? समाज के बात, कुछ लड़का ने इस बात को उल्लंघन भी किया, समाज के बात को जो ठीक से इज्जत कदर नहीं किया, लोग कुछ लोग जो अपवादी द्रुप टाइप का था वो ठीक से इस बात को नहीं स्वीकार किया, बोला कि पूरा गांव में लड़का को घुमाया जाए, ठीक है, और पूरा घुमाने के बाद चौक पर चौक हर चौक पर उसको 5 डंडा या 10 डंडा मारा जाए, इस तरीका से मतलब जो कुछ लड़का के कहना ये था। लेकिन बच्चे भी इसी समाज की है, इसी गांव की, हाँ, बेटी है यहाँ, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष जी। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com।
बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें डब्ल्यू